लखीमपुर के अनुमंडल कार्यालय के सामने शुक्रवार को अजीब स्थिति पैदा हो गई, जब एक व्यक्ति अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश करने लगा। हालांकि तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंची पुलिसकर्मियों ने अनहोनी होने से पहले घटना को टाल दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पीड़ित व्यक्ति पान का दुकान चलाकर अपनी आजीविका चला रहा था, तभी अतिक्रमण का आरोप लगाकर उसकी दुकान को तोड़ दिया गया। पीड़ित ने इस मामले में सीईओ की मिलीभगत से दबंगों पर अतिक्रमण कर अवैध आवास निर्माण करने का आरोप लगाया है। हालांकि पीड़ित ने इस संबंध में लोक शिकायत पदाधिकारी को 15 दिसंबर को आवेदन दिया गया था, मगर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। आगे बढ़ते हैं। बेतिया जिले के चनपटिया में संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। मृतक की पहचान चनपटिया निवासी अनिल कुमार के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गुमला में अज्ञात अपराधियों ने 50 वर्षीय व्यक्ति की टांगी से मारकर हत्या कर दी। घटना बीमरला बॉक्साइट मान क्षेत्र की है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अपराधियों की छानबीन में जुट गई है। मोतिहारी में राशन की शिकायत करने पहुंची महिला वार्ड सदस्य के साथ राशन विक्रेता ने हाथापाई की। घटना चकिया प्रखंड स्थित बरमदिया पंचायत के वार्ड नंबर 8 की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि राशन विक्रेता ने ग्रामीणों को 2 महीने के राशन के बदले सिर्फ 1 महीने का ही राशन दिया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने वार्ड सदस्य से की, जिसके बाद राशन विक्रेता ने वार्ड सदस्य से ही अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। यही नहीं, महिला वार्ड सदस्य के अनुसार राशन विक्रेता ने उन्हें हरिजन एक्ट में फंसाने की धमकी भी दी। राशन पूरा दीजिए, 2 महीना का देना है दीजिए, 1 महीना का देना है तो पूरा दीजिए। इसके बाद में हमको लगा है दोनों बाप बेटा मिल के मारने लगा है। आपका पब्लिक से पूछिए ना क्या हुआ है। लड़का के लेके मारपीट हुआ है, राशनों के लेके मारपीट हुई है, तो जबरदस्ती घर में डूब गया, समझे, जबरदस्ती घर में डूब गया। शेखपुरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के 5 ही गांव से 2 साइबर अपराधियों को धर दबोचा। इस दौरान एक बाइक भी जब्त की गई। इस मामले में शेखपुरा एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी अपने घर से साइबर क्राइम को अंजाम देता था। पूछताछ के दौरान यह पता चला कि यह छात्रों को भी अपनी ठगी का शिकार बनाता था। दिनों में इंटर की परीक्षा हुई थी और उसमें ठगी के लेकर बात आ रही थी, उसमें जो जानकारी मिली थी उस हिसाब से कार्रवाई की गई, दोनों गिरफ्तारी की गई है और जांच में अब तक ये आया है कि जो लोग परीक्षा दिए थे उनका डेटाबेस ही लोग मंगवा लेते थे, उसमें रहता था कि इनके पिता का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है। उसके बाद ये उन लोगों से कॉन्टैक्ट करते थे और उनको बोलते थे कि आपको मार्कशीट में ये मिला है। सहरसा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 3 शातिर अपराधियों को एक लोडेड पिस्तल, 3 जिंदा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की एक बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी लिपि सिंह ने कहा कि रिफ्यूजी चौक पर कुछ अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और त्वरित एक्शन लेते हुए अपराधियों को धर दबोचा। कल गुप्त सूचना मिली कि रिफ्यूजी चौक पे कुछ अपराधकर्मी शामिल हुए हैं और किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। त्वरित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसमें प्रशिक्षु डीएसपी जो अभी सदर थाना पदस्थापित है, सदर थाना अध्यक्ष के द्वारा छापेमारी की गई। वहां से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों में एक आकाश कुमार यादव है। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में कोयल नदी से अवैध रूप से बालू खनन को लेकर ग्रामीणों ने उपायुक्त को आवेदन सौंपा है। दरअसल बालू माफिया अवैध तरीके से कोयल नदी से बालू खनन करते हैं, जिसका ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बालू का उठाव होने से नदी में पानी कम हो गया है, जिससे किसानों की खेती के साथ सरकारी योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं। गांव का बालू का मामला आज आया है, उसमें ग्रामीणों का आरोप है कि जीएसएमडीसी के द्वारा जो बंदोबस्त हुआ है वो अपने एरिया से ज़्यादा कवर कर रहे हैं और जहाँ पर उनका कार्य क्षेत्र है, जहाँ पर बंदोबस्त हुआ है, उनसे वो दूसरे गांव में भी कर रहे हैं। तो इस संबंध में ये मामला आज ही मेरे के पास आया है, इसमें हम लोग दिखवा रहे हैं। खगड़िया में बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के राज्यव्यापी आह्वान पर हड़ताल के दौरान संघ के कार्यकर्ताओं ने कोशी कॉलेज से
जुलूस निकाला, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने 8 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष किरण देव यादव ने कहा कि कार्यपालक सहायकों को सरकारी सेवक घोषित किया जाए। वहीं संघ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के बैनर तले नियमितीकरण के सवाल को लेकर, वेतन में विसंगतियां दूर करने के सवाल को लेकर, सरकारी सेवक घोषित करने के सवाल को लेकर, समान काम का समान वेतन देने के सवाल को लेकर आज चौथे दिन हड़ताल जारी है। इस क्रम में लातेहार जिले में जेजेएमपी के उग्रवादियों ने बीते 12 मार्च को एक मुर्शे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया गया था कि लेवी को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं अब इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने जेजेएमपी के 4 उग्रवादियों को धर दबोचा, जिनके पास से पुलिस ने कई हथियार और अन्य सामान जब्त किए। इस कांड का अनुसंधान किया जा रहा था और इस हत्या के मामले में संलिप्त लोगों के संदर्भ में लगातार सूचना का संकलन और जो संदिग्ध अपराधकर्मी है उनके खिलाफ छापेमारी की जा रही है। इसी सिलसिले में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है और इस कांड में संलिप्त संलिप्त 4 अपराधियों की, जो अमित कुमार लोहड़ा, अमित लोहड़ा, रविंदर। शेखपुरा जिले से रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां अरियरी प्रखंड क्षेत्र के पंडर गांव में जमीन विवाद में 2 भाइयों ने मिलकर अपनी सौतेली मां की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित मां इल्हा ने जब मामले की प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए तो थाना प्रभारी ने भी उसे थाना प्रभारी ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। हम कुछ नहीं बोल रही, एकदम कुछ नहीं बोल रही। मैंने अपने आधार कार्ड मांगा, वोटर कार्ड मांगा, खोजब रे तो देव, बेचे लगी तैयार है, वह से उसे कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। आकर बाद कभी मारे ले ली तो कभी नहीं थी, थोड़ा भगवान विचार कर दो, बस इतने बात बोल रही है। बात मोतिहारी के छोड़ा दानो गम्हरिया रोड का नज़ारा नीतीश सरकार के सुशासन की पोल खोलता नजर आ रहा है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां बिन बरसात के ही बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। इतना ही नहीं, करीब 100 महादलित परिवार पिछले 3 सालों से गंदे पानी में के बीच रहने को मजबूर है, जिससे गंभीर बीमारियां होने का खतरा लगातार बना रहता है। हालांकि अब तक प्रशासन भी इस मामले में लापरवाह बना हुआ है। में निकलना, पानी से ही अंदर घुसना समस्या यहाँ है, इसीलिए थोड़ा ऐसा परेशानी तो मैंने हर तरह से परेशानी है। उनके आंगन में ही पानी है, अंदर उनके आंगन के अंदर पानी है, तो अब बताइए कि लोग जो है वो सोच रहा है कि हम क्या करें। अब जिनके पास सुविधा है तो अपना शहर में है, लेकिन जिनके पास सुविधा नहीं होती यहीं पे है। और अपना जमुई जिले के झाझा में SP के निर्देश पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया। वहीं इस अभियान के दौरान इलाके में यातायात का पालन करने वाले लोगों को सख्त हिदायत भी दी गई है। अरवल जिले के कुर्ता प्रखंड क्षेत्र में एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि सिमुआरा गांव निवासी धीरज कुमार अपनी पत्नी के ऑपरेशन करवाने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें निजी नर्सिंग होम में भेजा गया, लेकिन महिला की बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे अन्य अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजन प्रदर्शन कर रहे परिजनों का कहना है कि इलाके में अवैध ढंग से कई नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं, मगर प्रशासन की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।